नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भीम प्रजापति। आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास मनोविज्ञान की एक प्रैक्टिस सेट, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भीमा चित्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहते हैं जो उड़ने का शौक़ रखते हैं, जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने से कभी नहीं डरते मित्रों। तो किसी भी प्लान, किसी भी अभियान में कमर कस के लग जाइए। थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती हैं, पर परेशानियों का नाम ही जीत है मित्रों। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी मित्रों। तो इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आपके लिए ये मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जो यूपी टेट एमपी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हमारे वीडियो के साथ चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। आपके सामने चार विकल्प हैं, प्रतियोगिता की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, सहयोग की भावना को, तथस्थ की भावना को। तो इसमें से आपको हम 2 सेकेंड का टाइम देंगे। आप अपने आप का थोड़ा सा आकलन कीजिए, अपने मनोबल को बढ़ाइए, देखिए आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। हम 2 सेकेंड के बाद आपका राइट आंसर बताएंगे मित्रों। तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। आपका क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो आपके सामने चार विकल्प हैं, इन विकल्पों में से राइट आंसर कौन है आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना को। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, मतलब दिमाग से हष्टपुष्ट स्वास्थ्य जिसका अच्छा हो, ऐसे अध्यापक की क्या विशेषता होती है मेरे मित्रों। तो आपके सामने चार विकल्प है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वह क्या है, संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको देखने के बाद खुद लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन उपयोगी हैं या नहीं। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लगती है तो हमें आशीर्वाद के रूप में, अपने प्यार के रूप में इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से अपने सजेशन को ज़रूर बताएं। हम आपके सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे और इंतज़ार करते हैं। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपके सामने चार विकल्प हैं मित्रों, आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। जी हाँ, तो आपके सामने चार विकल्प हैं मित्रों, राइट आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। जी हाँ, आजकल शिक्षा का पैटर्न ऐसा है, क्वेश्चन कैसा भी हो आप अपने एक माइंड में सेटअप कर लीजिए कि आपको जो भी क्वेश्चन सही करना है लगभग बच्चे के पक्ष में ही वो बात हो, तो आपका लगभग वही विकल्प सही होता है, ऐसा मेरा अनुभव है मित्रों। अब आप आगे अपने हिसाब से कीजिए, बट मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वही क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है, व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। आपके सामने चार विकल्प हैं, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो आप अपना राइट आंसर दीजिए मित्रों। जी बिल्कुल सही, ये सभी के साथ क्या है, अस्थाई समायोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा कैसा होगा मित्रों। तो वह बच्चा आप सबको पता होगा,
प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। जी हाँ, तो वो बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा, या 90 से 110 के बीच आईक्यू वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। जी आपके सामने कितने विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षणिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 4 विकल्प में से राइट आंसर दीजिए मित्रों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब शांत करनी चाहिए, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात। नहीं मित्रों, यदि आपकी जिज्ञासा अभी हुई है तो मनोविज्ञान के हिसाब से उसको तुरंत ही शांत किया जाए। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्काल। जी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चों का एक जैसे होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो तीसरा इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए ये जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन है सभी बेहतरीन, अपने आप में परीक्षा की एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। जी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। जी ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चलिए राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए मित्रों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक। जी बिल्कुल सही। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ये हर बच्चा जानता होगा और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका। हम बार बार अपने वीडियो में यही कहते हैं कि मित्रों जो आसान क्वेश्चन होता है उन्हें बिल्कुल इग्नोर ना करें, वही क्वेश्चन गलत होता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है और आप अपने मित्रों से, अपने बड़े भाइयों से ऐसा पूछ सकते हैं। एग्जाम में वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो हमने बार बार पढ़ा है। तो प्लीज़ जो क्वेश्चन इजी होते हैं ना, इग्नोर ना करें, उन्हें बार बार देखें ताकि उनसे गलती होने का चांस ना रहे, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही हमें सिलेक्शन से दूर करता है। और एक बच्चा, एक भाई, एक बहन उस दर्द को तब समझता है जब वो एक नंबर से किसी एग्जाम में रुक जाता है। जैसे अभी देख लीजिए यूपी टेट का विवाद चल रहा है, 1 नंबर बढ़वाने के लिए बच्चे वहाँ PNP पर घेराव कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भूखे प्यासे वहीं तड़प रहे हैं। तो मित्रों ऐसा ना करें कि हमें एक क्वेश्चन के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। हम इतना मेहनत करेंगे, इतना पढ़ाई करेंगे कि उसकी नौबत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। जी बिल्कुल सही। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को कैसा ज्ञान होना चाहिए मित्रों, आपके सामने 4 विकल्प है। अध्यापन विषय एवं बाल विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। जी आपके सामने 4 विकल्प हैं। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, विकासी विधि। जी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो बच्चे और वयस्क क्या सीखते हैं मित्रों, कहाँ से सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, तो कहाँ से, इन सभी से सीखते हैं। बिल्कुल सही। वाइगोश्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। हम एक चीज़ और आपको बता दें, ये 20 क्वेश्चनों का कलेक्शन है मेरे मित्रों। ये हमारा प्रयास, छोटा सा प्रयास
मेरे बड़े भाई बहन के लिए कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि क्या कहा है मित्रों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। जी बिल्कुल सही, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, राइट आंसर। चलिए, गार्डन ने सात बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? जी बिल्कुल, आपके सामने चार विकल्प हैं, तो बताइए आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा। जी भावात्मक बुद्धि नहीं है मेरे मित्रों। जी गार्डन ने सात बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, तो इसमें आपका भावात्मक नहीं है। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित होती नहीं होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। जी प्रतिरोध, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चों की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का आईक्यू क्या होगा? तो पहले सबसे पहले आप ये जान लें कि आईक्यू निकालने का सूत्र होता है मेरे मित्रों MA/CA, ठीक है। यहाँ बगल में आपका, यहाँ इसके बगल में 100 भी होता है मित्रों, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? जी MA मानसिक आय बटे, जी मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू में 100, ठीक है। ये कट जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ बचा है 5, तो आपका आ जाएगा 125। जी राइट आंसर इज द 125। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है मित्रों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बताइए आपका राइट आंसर, चार विकल्प हैं। जी बहुविकल्पी प्रश्न, ये राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कितने मित्र इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक अपना और प्रयास लेकर। धन्यवाद, सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।